कि गाजा में इतनी सारी नीचे सुरंगें बना रखी हैं उन्होंने, और जाहिर सी बात है कि जब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा तो वहां बड़े पैमाने पर जो है कुर्बानियां होंगी, बलिदान होंगे इसराइल के सैनिकों के, बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, लगभग 33 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं उनके पूरे युद्ध में। आप सोचिए कि इतना बड़ा खर्चा करके, इतनी बड़ी कीमत चुका करके, अगर गाजा पर वो कब्जा करेंगे तो क्या गाजा को दे देंगे वो किसी को? कि इसराइल का जवाब कितना तगड़ा है, इसराइल किस तरह से जवाब देता है अपने दुश्मनों को, कि दुश्मन हाहाकार मचा हुआ है, कह रहा है कि भाई सीज फायर कर दो। तो वहां पे स्थिति यह है कि 24 घंटे में वहां पे सिर्फ आधी रोटी खाने के लिए मिल रही है, खाद्य भंडार था गाजा के अंदर उसको भी जो है हमला करके ध्वस्त कर दिया है, अनाज भंडार को भी जला दिया है इसराइल ने, ऐना बेहोश की सर्जरी हो रही क्योंकि वहां पे एनेस्थीसिया ही नहीं है, खत्म हो गया है, दवाएं वहां खत्म हो गई है। तो दोस्तों पूरी दुनिया में लगभग 57 इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन इसके बाद भी 57 इस्लामिक मुल्क देखा जाए तो पूरी तरह से मजबूर नजर आ रहे हैं, विवश नजर आ रहे हैं इसराइल के सामने। दोस्तों गाजा पट्टी के अंदर आज लगभग 12वां-13वां दिन है, 2 हफ्ते बीत गए और आज तक भी वहां पे पूरी नाकेबंदी है, ना तो वहां पर पानी पहुंच रहा है, पानी जो पहुंच रहा है वो दक्षिण के इलाके में सिर्फ पहुंच रहा है, वहां पे भी स्थितियां अभी भी बहुत खराब है। और क्योंकि वहां से रिपोर्ट जो आ रही है वो ये है कि वहां नहाने के लिए पानी नहीं है, वहां पे कई ऐसी महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि वो एक एक हफ्ते से नहीं नहाई हैं और उनके शरीर में जो है खुजली शुरू हो गई है। इसी तरह से वहां पे जो बच्चे हैं उनको पीने के लिए पानी की बड़ी तंगी है। इसके अलावा स्थिति ये है कि लोग वहां समंदर का पानी, खारा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा देखें तो वहां पे स्थिति यह है कि 24 घंटे में वहां पे सिर्फ आधी रोटी खाने के लिए मिल रही है, क्योंकि यूएन की भी जो एड है वो वहां पे आसानी से नहीं पहुंच पा रही है, यानी कि अगर। और इसके अलावा दोस्तों ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में ऐसा भी हो रहा है कि जो मदद मिलती भी है उसको आतंकवादी हमास के छीन ले जाते हैं, चुरा ले जाते हैं। तो इन स्थितियों में जो है एक यूएनआरडब्ल्यूए का, यानी कि जो यूएन का एक खाद्य भंडार था गाजा के अंदर, उसको भी जो है हमला करके ध्वस्त कर दिया है, अनाज भंडार को भी जला दिया है इसराइल ने। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो लगातार गाजा के अंदर हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। दोस्तों मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि गाजा के अंदर जो अस्पताल है वहां पे इस समय स्थिति यह है कि वहां पे सर्जरी हो रही है, बिना बेहोश किए सर्जरी हो रही, क्योंकि वहां पे एनेस्थीसिया ही नहीं है, खत्म हो गया है, दवाएं वहां खत्म हो गई है। तो पूरी तरह से जो इसराइल, जो गाजा है वो अंधेरे में डूब चुका है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और इसीलिए पूरी दुनिया से सारे इस्लामिक देश मिलकर के, अमेरिका मिलकर के इसराइल के ऊपर ये दबाव डाल रहे थे कि जो रफा क्रॉसिंग है, यानी जो रफा क्रॉसिंग यानी कि जो इजिप्ट की तरफ सिनाई द्वीप की तरफ जो दरवाजा खुलता है, जो गेट खुलता है, उस गेट से एक राहत आने दी जाए, राहत सामग्री आने दी जाए, लेकिन उस राहत सामग्री को भी आने से अभी तक मना किया हुआ है। दोस्तों आपने देखा दोस्तों पूरी दुनिया में कल से ही लगातार ये बातें कही जा रही थी कि जो खाद्य सामग्री है, जो राहत सामग्री है, वहां पर जो ट्रक्स खड़े हैं, अब तो 25 ट्रक रूस ने भी भेज दिए हैं, तो जो राहत सामग्री खड़ी है उन राहत सामग्री को यहां पे लाया जाएगा रफा क्रॉसिंग से, ये पूरी दुनिया कह रही थी। दोस्तों कल आज तक न्यूज चैनल पे एक बड़ी मशहूर प्रसिद्ध एंकर है जो कि 6 बजे का कार्यक्रम करती है वहां पे डिबेट का, वो कह रही थी कि ये जो रफा क्रॉसिंग है ये दरअसल मिस्र के, इजिप्ट के कंट्रोल में है, लेकिन उनको नहीं पता कि ये इजिप्ट के कंट्रोल में नहीं है, ये भी इसराइल के ही कंट्रोल में है, और इसीलिए इसराइल वहां पर इसको खोलने नहीं दे रहा है। और कल ये कहा जा रहा था कि शुक्रवार को इसे खोल दिया जाएगा, लेकिन मैंने आपसे कल भी कहा था दोस्तों कि इसको इसराइल नहीं खुलने देगा आसानी से, और आप देख रहे हैं दोस्तों कि आज भी समाचार यही है कि रफा क्रॉसिंग को आज भी नहीं खोला जाएगा। यानी देखा जाए दोस्तों तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि जो जो बाइडेन है और जो बेंजामिन नेतन्याहू है, ये लोग डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ बाइडेन जब यहां से गए इसराइल से तो ये कह के गए कि रफा क्रॉसिंग को जो है शुक्रवार को खोल दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने अब तक कोई बयान नहीं दिया दोस्तों इस पर, लेकिन वो ये कहते तो हैं इसराइल की तरफ से, ये एक ऑफिशियल कहा जाता है कि साहब हम रफा क्रॉसिंग खोल देंगे, लेकिन उन्होंने अब तक रफा क्रॉसिंग नहीं खोली है। और उसकी बहुत सी बड़ी वजह है दोस्तों, जो इसराइल के अंदर जो हॉस्टेज फैमिली बनाई गई है, जो बंदियों के परिवार है जिनको कि हमास ने बंधक बनाया है, उन परिवारों ने मिलकर के ये मांग की थी कि इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं अगर वो रफा क्रॉसिंग को खोल देंगे तो ये एक तरह से वो खुद ट्रेटर होंगे, क्योंकि उनको ये शर्त रखनी चाहिए कि जब तक बंधक जो है वो रिहा ना किए जाए तब तक जो है वो उस पूरी जो जगह है, जो क्रॉसिंग है, उसको ना खोले, ताकि वहां पे लोग जो है एक पोजीशन रहे किसी तरह से भी वहां से एक आदान प्रदान करने की, कि अगर हम रफा क्रॉसिंग खोल रहे हैं तो आप जो है बंधकों को वहां पे रिलीज कीजिए। यानी कि अगर देखा जाए तो जो अमेरिका है वो अपना एक ह्यूमैनिटेरियन चेहरा, ये मानवीय चेहरा पेश करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन असलियत यह है दोस्तों कि वो भी इसराइल के साथ अंदर ही अंदर बिल्कुल खड़ा है, और वो बात बिल्कुल साफ साफ दोस्तों नजर भी आ रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तर गाजा है पूरा, जो यूएन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो उत्तर गाजा है वो लगभग खाली हो चुका है, और लगभग
10-12 लाख लोग जो है उत्तर गाजा से जा चुके हैं, लेकिन वहां पे अस्पतालों में अभी भी लोग वहां पे शरण लिए हुए हैं। उसमें से जो अल शिफा अस्पताल है जो कि उत्तर गाजा में है, तो अल शिफा अस्पताल में लगभग 50,000 लोग अभी भी शरण लिए हुए हैं। तो अब इसराइल ने यह कह दिया है कि इस अल शिफा अस्पताल को भी खाली करना होगा। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, इस पर मिस्ड कॉल कर देंगे तो आपको मेरे आर्टिकल्स जरूर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के मेरे ट्विटर का, टेलीग्राम का और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा आपने देखा कि जो वहां पे बैप्टिस्ट हॉस्पिटल था वहां पर किस तरह का एक अटैक हुआ या धमाका हुआ और वहां पे लगभग 500 लोग मारे गए। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि 500 लोग नहीं मारे गए, संख्या कम थी, लेकिन बहुत बड़ा चढ़ा के उसको बताया गया है। सच क्या है ये तो खैर गाजा के लोग ही जानते होंगे, लेकिन जो भी है तो अस्पताल पे वहां पे धमाका हुआ, उसमें लोग मरे थे, ये बात सही है, उसमें महिलाएं और बच्चे काफी ज्यादा थे। तो अब जितने भी अस्पताल हैं, लगभग 24 अस्पताल जो है उत्तर गाजा में है, और इनमें से जो है सभी अस्पतालों को इसराइल ने ये कह दिया है कि सभी अस्पतालों को आपको खाली करना, यानी देखा जाए तो पूरी तरह से उत्तर गाजा के सभी अस्पतालों को खाली करके वहां पे जबरदस्त बम्बार्डिंग करने की पूरी जो तैयारी है वो इसराइल ने कर ली है। इसके अलावा दोस्तों एक चर्च पे भी हमला हुआ है उत्तर गाजा के अंदर। ये चर्च बताया जा रहा है कि 2000 साल पुराना था, और इस चर्च पर भी जो है हमला करके इस चर्च को ध्वस्त कर दिया गया है, और उसकी वजह अभी इसराइल की तरफ से बताई नहीं गई है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही 2000 साल पुराना चर्च था, इसीलिए शायद हमास के आतंकवादियों ने वहां पे ये कहकर शरण ली होगी कि भाई यहाँ पे हम अगर अपना अड्डा बनाते हैं तो यहाँ पे इसराइल हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना चर्च है, और अगर यहाँ पे हमला करता है तो जो चर्च और यहूदी की, यानी कि जो यहूदी ईसाई की जो एकता बन रही है वो खंडित होगी। तो अगर देखा जाए तो एक बयान भी चल रहा है दोस्तों जिसमें कि जो चर्च है उसी चर्च के जो पादरी हैं वो कह रहे हैं कि चर्च पर हमला किया जा रहा है और यहूदियों पर ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं दोस्तों। वहां पे वो लोग पूरी तरह से हमास के आतंकियों के कंट्रोल में है, तो जाहिर सी बात है कि वो हमास के आतंकियों की बात ही कहेंगे, जो हमास के आतंकी बोल रहे हैं वही मजबूर है कहने के लिए। इसके अलावा उनके पास और कुछ विकल्प भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो क्रिश्चियन आबादी वहां पे है वो बहुत ही कम संख्या में है, उसकी अपनी आवाज तो वहां पे कोई है नहीं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि जो उत्तर गाजा है वो खाली होकर के जो है दक्षिण गाजा की तरफ चला गया है, और अब देखा जाए तो दक्षिण गाजा पर भी जो बम्बार्डिंग है वो इसराइल अभी भी कर रहा है। जो खान यूनिस कैंप है दोस्तों वो दक्षिण गाजा के अंदर है, और खान यूनिस कैंप पर जो है बम्बार्डिंग की है इसराइल ने, और वहां पर भी लगभग 20 से लोग मरे हैं, अभी ये 2 दिन पहले की बात है। यानी देखा जाए तो सेफ तो ना दक्षिण गाजा है ना उत्तर गाजा है, जहां भी आतंकवादी है वो हर ठिकाना जो है वो इसराइल के निशाने पर है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जो इजिप्ट है और जो जॉर्डन है, जॉर्डन जो है वो इसराइल के पूरब की तरफ का पड़ोसी है, और जो इजिप्ट है वो पश्चिम की तरफ का पड़ोसी है। यानी कि इजिप्ट और जॉर्डन, यानी कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी और जॉर्डन के जो राजा हैं, बादशाह हैं, किंग अब्दुल्ला, ये दोनों लोग एक शिखर सम्मेलन करने जा रहे हैं काहिरा के अंदर, और वहां पर ये इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि जो पलायन हो रहा है, यानी जो पलायन ना होने पाए गाजा से, क्योंकि अगर गाजा से पलायन होता है फिलिस्तीनियों का तो छोटे मोटे फिलिस्तीनी नहीं है, 20 लाख के करीब दोस्तों फिलिस्तीनी है, और ये 20 लाख के करीब फिलिस्तीनी कहीं भी अगर जाएंगे तो उससे उनको बहुत समस्या होगी, ये बात वो कहना चाहते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों कि अगर देखें तो 1948 में, यानी जब पहला इसराइल फिलिस्तीनी युद्ध हुआ था, तो 1948 में करीब 7 लाख फिलिस्तीनी जो है वो जो है इजिप्ट चले गए थे, और इजिप्ट से दूसरी दुनिया के तमाम देशों में चले गए थे। इसके अलावा अगर देखें तो जो 1967 यानी कि जब 6 डे वार हुआ 1967 में, उस समय जो है दोस्तों 3 लाख के करीब फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक के जो थे वो जॉर्डन चले गए थे। तो अगर देखा जाए तो इस समय जो 10 लाख तादाद हो चुकी है इन्हीं फिलिस्तीनियों की जो है वहां पे जॉर्डन के अंदर, और जो माफ कीजिएगा जॉर्डन के अंदर, और जॉर्डन की जो आबादी है वो 1 करोड़ है, यानी कि 1 करोड़ में 10 लाख वहां फिलिस्तीनी हो गए। तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का साफ साफ कहना है कि हम फिलिस्तीनियों को शरण नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम इनको शरण देंगे तो हमारी जो आबादी का संतुलन है, हमारा जो राष्ट्रीय चरित्र है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। दूसरी तरफ इजिप्ट दोस्तों ये कह रहा है कि अगर कि हमारे पास पहले से ही 3 लाख के करीब सूडानी शरणार्थी हैं, और इसके अलावा अगर हमने उनको सिनाई द्वीप में शरण दी तो हमें इस बात का डर है कि जो ये सिनाई द्वीप है, ये सिनाई द्वीप जो है एक आतंकवाद का अड्डा बन जाएगा, यहां से जो है फायरिंग होगी, यहां से मिसाइल्स फायर किए जाएंगे इसराइल के ऊपर, और यही वजह है कि वो इस सिनाई द्वीप को नहीं देंगे जो है इन जो है हमास के लोगों को या फिलिस्तीन के लोगों को। उन्होंने ये भी कहा साथ में दोस्तों कि जो सिनाई द्वीप है वहां से जो मिलिटेंट्स हैं, इस्लामिक मिलिटेंट्स, वो पूरे इजिप्ट में फैल सकते हैं, और बहुत मुश्किल से इजिप्ट के अंदर उन्होंने जो इस्लामिक एक आतंकवाद है उसको कंट्रोल किया है, ऐसा कह रहा है अलसीसी का, वो उदारवादी व्यक्ति है, और बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया गया है, और अब हम नहीं चाहते कि दोबारा से
वो इस तरह से जो है स्प्रेड करें। तो कुल मिलाकर के दोस्तों पूरा मामला यह है कि गाजा के अंदर की जो पूरी स्थितियां हैं, जो पूरे हालात हैं, वो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। वहां पे अभी भूख से वहां पे अब मौतें होना शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। अस्पतालों में वहां पर अब कुछ भी नहीं बचा है, बड़ी मुश्किल से वहां पर किसी तरह से इलाज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों की जो ईरान है, जो इराक है, जो सीरिया है, जॉर्डन है, फिलिस्तीन है, या जो ये सऊदी अरब है, ये सारे देश, कितने देश हैं दोस्तों, सुनो, बहरीन है, ओमान है, कतर है, यूएई है, कितने देश हैं, ये सारे देश मिल करके भी इसराइल को रोक नहीं पा रहे हैं। इसराइल जहां चाहता है वहां गाजा में बम्बार्डिंग करता है, जो चाहता है इसराइल करता है, चाहे वो नाकेबंदी कर दे रहा है, चाहे वहां पर रसद पहुंचे नहीं पहुंचे, लोग मरे, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। उसने अपना ये बात ठान ली है कि मुझे हमास को खत्म करना है, और हमास को खत्म करने के लिए जो भी जरूरी है वो करेंगे। इसमें जो भी कोलेटरल डैमेज हो रहा है, जो भी लोग मारे जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है। वो पहले ही बोल चुका है कि हमास ने ये हमला युद्ध शुरू किया है, और अगर कोई लाश गाजा में गिरती है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमास की है, अगर कोई लाश इसराइल में गिरती है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमास की, ये पहले ही जो है इसराइल बोल चुका है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि ईरान ऐसी स्थितियों में, तुर्की ऐसी स्थितियों में, अब ये उन्होंने एक और रास्ता भी चुना कि तुर्की और ईरान ने की तरफ से ये कहा गया कि अगर जो है 1000 के करीब जो कैदी हैं, जो कि इसराइल की जिलों में है फिलिस्तीन के, अगर उन कैदियों को रिहा कर देता है इसराइल, तो जो 200 के करीब जो कैदी इसराइल के हैं, हमास ने पकड़े हुए, हमास उनको जो है आजाद कर देगा। यानी आप सोचिए दोस्तों कि हमास जो एक आतंकवादी संगठन है, उसकी तरफ से जो है तुर्की, और उसकी तरफ से देखा जाए तो जो कतर है या ईरान है, वो पैर भी कर रहे हैं साहब की हम तुम्हें छोड़ देंगे, युद्ध बंद कर दो और युद्ध खत्म कर दो। तो ये सब लोग मिलकर के अब सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में, जगह जगह पे पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और सब जगह पर बस यही कहा जा रहा है सीज फायर, यानी युद्ध रोक दो। यानी वो इसराइल से बोल रहे हैं कि सीज फायर कर दो, यानी युद्ध रोक दो। आप सोचो कि ये लोग जो जिन्होंने युद्ध शुरू किया, वो कह रहे हैं साहब कि सीज फायर करो, युद्ध रोक दो। आप सोचो आप कि इसराइल का जवाब कितना तगड़ा है, इसराइल किस तरह से जवाब देता है अपने दुश्मनों को कि दुश्मन हाहाकार मचा हुआ है, कह रहा है कि भाई सीज फायर कर दो। तो यही वो जवाब होता है जो हर देश को, जो कोई जिसको आतंकवाद से लड़ना है उसको इसी तरह का जवाब देना होगा, तो ही वो आतंकवादियों को टैकल कर पाएगा। क्योंकि जो इसराइल की पॉलिसी है कि जानवरों के साथ जानवरों को जैसा सलूक करना चाहिए, वो बिल्कुल वही सलूक कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये सलूक जो है उसकी अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका अस्तित्व जो है वो दांव पर लगा हुआ है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात एक ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर गाजा के अंदर अब क्या होगा, गाजा का भविष्य अब क्या होगा। तो दोस्तों ये बात तो इसराइल डिफेंस फोर्स पहले ही कह चुकी है कि जो हमास अब गाजा पर रूल नहीं कर पाएगा, यानी हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ये बात तो पहले भी कह चुके हैं। उत्तर गाजा उन्होंने लगभग खाली करा लिया, यूएन कह रहा है कि 12 लाख लोग वहां से चले गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इजिप्ट है और जॉर्डन है और जो इराक है और कई ऐसे देश जो है, वो ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो पूरे पूरे गाजा पर कब्जा करना चाहता है, वहां से सबको हटा करके वहां पे खुद अपनी बस्तियां बनाना चाहता है, यहूदी बस्तियां और निर्माण करना चाहता है। इस तरह के आरोप जो है वो जॉर्डन वगैरह वहां पे लगा रहे हैं इसराइल के ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें भी यहां पे बड़ी कूटनीति नजर आ रही है। आप देखिए एक तरफ इसराइल की तरफ से देखा जाए तो जो उनके विपक्ष के नेता हैं लैपिड, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम ये चाहते हैं कि गाजा के अंदर जो है हमास को खत्म कर दिया जाए, और वेस्ट बैंक के अंदर जो वहां पे सरकार चल रही है, एक लोकतांत्रिक सरकार चल रही है वेस्ट बैंक के अंदर, उसी सरकार को यहां पे भी उनके कंट्रोल में गाजा को दे दिया जाए। एक तो ये बात जो है वो कही गई है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बाइडेन क्या कह रहे हैं, जो बाइडेन ने जब उड़ान भरी इसराइल के लिए तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि गाजा पर कब्जा करना जो गलत होगा, गाजा पर कब्जा नहीं होना चाहिए। और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो नेतन्याहू हैं उनकी तरफ से इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया है कि वो गाजा को रखेंगे या गाजा को छोड़ेंगे। दोस्तों मेरा ये मानना है कि गाजा में इतनी सारी नीचे सुरंगें बना रखी उन्होंने, और जाहिर सी बात है कि जब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा तो वहां बड़े पैमाने पर जो है कुर्बानियां होंगी, बलिदान होंगे, इसराइल के सैनिकों के बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, लगभग 33 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं उनके पूरे युद्ध में। आप सोचिए कि इतना बड़ा खर्चा करके, इतनी बड़ी कीमत चुका करके अगर गाजा पर वो कब्जा करेंगे तो क्या गाजा को दे देंगे वो किसी को? ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक बार फिर से अमेरिका, इसराइल, ये दोनों मिल करके जो है खेल खेल रहे हैं, कूटनीतिक गेम कर रहे हैं, डिप्लोमेसी कर रहे हैं, और डिप्लोमेसी करके जो है अपने जो अरब जगत है, यानी जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कुछ लोग जो है वो यूएस की तरफ चले जाएं, कुछ लोग जो है वो इसराइल की, ईरान की तरफ चले जाएं, रूस की तरफ चले जाएं, और फिर भी जो अरब वर्ल्ड है उसकी ताकत को बांट दिया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यमन भी इस युद्ध में कूद पड़ा है।
दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है, यानी कि अब तक जितने भी युद्ध हुए इसराइल और फिलिस्तीन के, उसमें कभी भी यमन नहीं कूदा था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है दोस्तों कि यमन भी अब इस युद्ध में कूद गया है। और यमन की तरफ से दोस्तों जो हूती वहां का जो एक आतंकवादी संगठन है, उसने लगभग 3 क्रूज मिसाइलें जो है वो फायर की थी इसराइल के ऊपर। और इस सभी जो क्रूज मिसाइलें थी, इसको यूएस का जो वहां पे एक नेवी शिप है यूएसएस कैरी, उसने इसको रोक लिया है, उसको ट्रैक करके उसको वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। यानी इसराइल इस बार तो बच गया है, लेकिन हूती के पास लगभग 2 लाख की दोस्तों फौज है, और इतनी बड़ी उसके पास फौज है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके पास क्रूज मिसाइल्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि ईरान और रूस का उसको पूरा जबरदस्त समर्थन है। तो ऐसी स्थिति में अब जितने भी आतंकवादी संगठन पूरी दुनिया के अंदर, जो कि अब तक शिया सुन्नी की लड़ाई में व्यस्त थे, अब तक जो है सत्ता की लड़ाई में व्यस्त थे आपस में, चाहे वो सीरिया के अंदर हो, चाहे वो इराक के अंदर हो, चाहे कहीं पर भी हो, अब वो सारे संगठन जो है अब वो मिल करके एक साथ एक कई कई फ्रंट खोलना चाहते हैं इसराइल के खिलाफ। यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अभी और भड़केगी, और ये साफ लग रहा है कि एक बड़े मिडिल ईस्ट के एक बड़े मिनी वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है ये पूरी जंग दोस्तों बढ़ रही है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।